अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है स्पेसिफिक ड्रग के हवाले से, डेट इज़ एट्रोपिन। एट्रोपिन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है इस चैप्टर की, आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे एमसीक्यू के हवाले से डेफिनेटली पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इस लेक्चर में मेंशन करती जाऊंगी। आप उसको बुक में किसी भी कलर से हाईलाइट कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें से ये आपका एमसीक्यू पेट एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू आपका आना ही आना है। एट्रोपीन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एट्रोपीन के बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि एट्रोपीन आपकी एक ऐसी ड्रग है जो कि एंटी मस्करिनिक है। ठीक है जी, एंटी मस्करिनिक से क्या मुराद है कि ये दवाई सिर्फ़ और सिर्फ मस्करिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके अटैक करती है, इसलिए यहाँ पे हम इसके आगे लिख लेते हैं कि दिस ड्रग इज़, यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन लिखते हैं एट्रोपीन, दिस इज़ इट इज़ अ या दिस इज़ अ दिस इज़ एन एंटी मस्कारिनिक एजेंट। ठीक है जी, अब आपने क्योंकि एंटी मस्कारिनिक लिखा है तो आपको नाम बता रहा है कि ये मस्कारिनिक रिसेप्टर्स के ख़िलाफ़ काम करती है, यानी कि ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट काम करती है, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। लिहाजा आप लिख सकते हैं, या आप ये लाइन लिख दें, या आप लिख सकते हैं दिस इज़ अ या इट इज़ अ पैरा सिंपैथो लिटिक ड्रग। पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग लिखने का फ़ायदा ये है कि आप जब इंट्रोडक्शन में ही ड्रग के बारे में उसका एक्शन बता देते हैं, उसका यूज़ बता देते हैं, तो आपका जो एक्सटर्नल है या जो आपका पेपर मार्क चेक करने वाला है उसके ऊपर आपका इम्प्रेशन अच्छा जाता है कि इसको मेडिसिन के बारे में नॉलेज है। अब एट्रोपीन की जिस तरह से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आपने कोई भी ड्रग लिखनी है तो आपने एक स्पेसिफ़िक प्रोसेस के ज़रिए से लिखनी है, स्पेसिफ़िक हेडिंग्स के ज़रिए से लिखनी है। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होती है वो इंट्रोडक्शन के बारे में होती है, वो हमने दो लाइनों में इसको डिस्क्राइब कर दिया। आप यहाँ पे पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग की जगह पैरासिम्पथेटिक ब्लॉकर भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह यहाँ पे कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट भी लिख सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, आप कोई भी मुनासिब वर्ड जो भी आपको ठीक लगता है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंटी मस्करिनिक लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आइडिया हो जाए कि ये जो दवाई है ये आपकी मस्करिनिक के जो है वो ख़िलाफ़ है। इसके बाद आपकी जो सेकंड हेडिंग आती है वो हमेशा फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में आती है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होगी। यही तरीका होना चाहिए जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो आपने इसी सीक्वेंस के साथ पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या लिखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लिखते हैं जनाब ड्रग की अब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, और इसका जो भी एलिमिनेशन है वो कहाँ से होती है। अब आपकी ड्रग के बारे में जो बुक के अंदर चीज़ें मेंशन हैं आप वही लिखेंगे कि एट्रोपीन के बारे में लिखा हुआ है कि एट्रोपीन इज़ एब्जॉर्ब रैपिडली फ्रॉम द GIT, यानी अगर एब्जॉर्प्शन देखी जाए तो एट्रोपीन एब्जॉर्ब रैपिडली फ्रॉम GIT। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर दूँ कि अगर आप फार्माकोलॉजी याद करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने हैंडमेड नोट्स बनाएं, जिसमें आपने हर ड्रग को एक ख़ास तरतीब के साथ खुद लिखा हुआ हो। उससे होता ये है कि जब आप याद करने बैठते हैं तो आपको आसानी होती है, MCQs आपने हाईलाइट किए हुए होते हैं। बुक के अंदर कभी फार्माकोकाइनेटिक्स एंड पे लिखी होती है, कभी स्टार्ट में लिखी होती है, कभी यूजेस पहले लिखे हुए होते हैं, तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा मसला होता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने नोट्स बनाएँ, आपसे पहले जितने भी सेशन हैं, आपसे पहले इवन जो आपका सेशन गुजरा है उन सब ने अपने अपने नोट्स, जो क्लास में लेक्चर लेते थे स्टूडेंट्स उन सब ने अपने नोट्स खुद बनाए थे। ठीक है, वो नोट्स मुझसे चेक करवा लेते थे, कोई गलती होती थी तो मैं उनको मेंशन कर देती थी, तो उससे ये होता है कि आपका पेपर जो है वो आपके लिए अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है जी, सो एट्रोपीन जो है वो आपकी अब्जॉर्ब होती है GIT से, ये पार्शली मेटाबोलाइज होती है लीवर से, यानी लीवर से फुली मेटाबोलाइज नहीं होती, बहुत थोड़ी मिकदार इसकी मेटाबोलाइज होती है, सो पार्शली मेटाबोलाइज बाय लीवर एंड एलिमिनेटेड। एलिमिनेशन कहाँ से होती है, एलिमिनेटेड इन द यूरिन। ठीक है,
यूरिन से ये एलिमिनेट हो जाती है। साथ में इसकी हाफ लाइफ लिखी हुई है कि इसकी जो हाफ लाइफ होती है 4 आवर्स की होती है। इट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 4 आवर्स। अब हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ से मुराद है कि वो टाइम जिसके बाद ड्रग की मिकदार आपकी बॉडी के अंदर आधी रह जाती है, उसको आप हाफ लाइफ कहते हैं। यानी कि अगर आपने 500 mg दवाई खाई है तो, या आपने 500 mg एट्रोपीन खाई है तो 4 घंटे के बाद वो 500 mg एट्रोपीन 250 mg एट्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उन 4 घंटों को, उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। यानी कि 4 घंटे में आपकी जो ड्रग थी वो 500 से 250 में कन्वर्ट हो गई है। या आपने 100 mg एट्रोपीन खाई थी इंजेक्शन की फॉर्म में, क्योंकि एट्रोपीन तो आप इंजेक्शन की फॉर्म में मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको 5 ml या 4 ml आपको एट्रोपीन लगी है, उसमें से 2 ml एट्रोपीन आपकी बॉडी में 4 घंटे के बाद हासिल होती है, तो वो 4 घंटे जो है वो आपकी हाफ लाइफ होते हैं, ड्रग की हाफ लाइफ होते हैं। मुख्तलिफ ड्रग्स की हाफ लाइफ मुख्तलिफ होती है। सब ड्रग्स की हाफ लाइफ किताबों के अंदर मेंशन होती है, आपकी बुक के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा मेंशन नहीं है, सिर्फ एट्रोपीन के बारे में मेंशन है। सो आप इसको लिख लेंगे। हाफ लाइफ से मुराद है वो टाइम जिसके बाद ड्रग की मिकदार बॉडी के अंदर आधी रह जाती है। यानी कि अगर कोई दवाई फॉर एग्जाम्पल 10 mg है और 2 घंटे के बाद, और वो 5 mg में कन्वर्ट होने में उसको 2 घंटे लगते हैं, तो ये 2 घंटे उसकी हाफ लाइफ है। अगर ड्रग की मिकदार सपोज करें 20 mg है, उसको 10 mg में यानी आधा होने में 3 घंटे लगते हैं, तो वो 3 घंटे उसकी हाफ लाइफ है। इसी तरह से मुख्तलिफ ड्रग्स की आप हाफ लाइफ बता सकते हैं। ये आपको याद करनी पड़ती है क्योंकि इसको आप अंडरस्टैंडिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, ये हर ड्रग की मुख्तलिफ होती है और आपने इसको मेमोराइज करना होता है। सो ये हो गई आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फार्माकोडायनामिक्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्माकोडायनामिक्स में आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग लिखना होता है। ठीक है जी, फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है इसको हम ज़रा बुक से अंडरस्टैंड करते हैं। ये है जनाब आपकी फार्माकोडायनामिक्स, जिसको आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग भी कहते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एट्रोपीन इज़ अ टर्शरी अमीन। टर्शरी से मुराद है कि ये NH3 की शक्ल में होता है, यानी कि ये टर्शरी अमीन होता है। यही वजह है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और ये आपको हासिल होता है एट्रोपा बेलाडोना। ये आपने फार्माकोग्नोजी में फर्स्ट प्रॉफ में एट्रोपा बेलाडोना एक ड्रग पड़ी है, अल्कलाइड है, उससे आपको एट्रोपीन हासिल होता है। इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर मस्करेनिक रिसेप्टर। एफिनिटी से मुराद है बाइंड होने की सलाहियत। इसकी बाइंड होने की सलाहियत ना तो गेंगलिया के साथ है, ना ही न्यूरोमस्कुलर के साथ है, बल्कि मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ इसके बाइंड होने की सलाहियत मौजूद है। वेयर इट बाइंड कम्पिटिटिवली, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपटीशन करती है। किसके साथ कंपटीशन करती है? आपको पता है कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का, जिसको आप एसिटाइल कोलिन कहते हैं, वो एसिटाइल कोलिन पे आपके मस्करिनिक रिसेप्टर से बाइंड करने की कोशिश करता है। उसी वक्त एट्रोपीन वहाँ पे आती है और उस एसिटाइल कोलिन को के साथ कंपटीशन लगाती है, उसके साथ कंपीट करती है और उसको मना करती है कि मैं जाके रिसेप्टर से बाइंड करूँगा, और एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर से बाइंड होने से रोक देती है। ठीक है जी, एंड प्रिवेंटिंग द एसिटाइल कोलिन फ्रॉम बाइंडिंग टू दोज साइट। लिहाजा मस्करिनिक रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन के बाइंड होने की बजाय खुद वहाँ पे जाके बाइंड हो जाती है। एट्रोपीन एक्ट बोथ सेंट्रली एंड पेरिफेरली। इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ अबाउट 4 आवर। जब आप इसको इंटेक करते हैं तो ये 4 घंटे तक आपको फ़ायदा पहुंचाती है। आपको जिस मकसद के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया है, 4 घंटे के लिए ये आपकी बॉडी के अंदर स्टे करती है जब आप इसको इंट्रावीनस लगाते हैं। वेन प्लेस्ड टॉपिकली इन आई वेयर द एक्शन में लास्ट 4 डेज। लेकिन जब आप इसको आई ड्रॉप्स की शक्ल में आंखों में अप्लाई करते हैं तो ये 4 घंटे के लिए नहीं रहती, बल्कि ये काफ़ी दिन तक आपकी आंखों के अंदर स्टे करती है। सो बताने का मकसद ये है कि जब आप इंजेक्शन की शक्ल में लगाते हैं तो ये कम आपकी बॉडी में स्टे करती है, लेकिन जब आप आई ड्रॉप्स की शक्ल में लगाते, अगर हम फार्माकोडायनामिक्स यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एट्रोपीन यहाँ पे मेंशन करें, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे लिखेंगे? आपने एक्शन वही लिखना है जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है। यहाँ पे सपोज करें ये आपका मस्करिनिक रिसेप्टर है, ये आपकी एसिटाइल कोलीन है, ठीक है जी, और ये आपकी एट्रोपीन है।
एसिटाइलकोलिन हमेशा कोशिश करती है कि मैं मस्कारिनिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करूं, और आपकी जो एट्रोपिन है ये ख्वाहिश करती है कि मैं मस्कारिनिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करूं। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में एट्रोपिन जो है वो जीत जाती है और जाके मस्कारिनिक रिसेप्टर से बाइंड कर देती है। अब क्योंकि एट्रोपिन जो है वो मस्कारिनिक एंटेगोनिस्ट दवाई है, सो लिहाजा जब ये मस्कारिनिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है तो मस्कारिनिक रिसेप्टर्स को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करती है मस्कारिनिक रिसेप्टर, और जब मस्कारिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो पैरा सिंपथेटिक सिस्टम क्या हो जाता है, पैरा सिंपथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है एंड ब्लॉक ऑल ऑफ इट्स एक्टिविटी। ठीक है जी, ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एट्रोपिन का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो जान होती है किसी भी ड्रग की। आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ठीक तरह से पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगर एसिटाइलकोलिन बाइंड हो जाती तो क्या हो जाता, ये सारा सिस्टम, ये सारा प्रोसेस उल्टा हो जाता, पैरासिंपथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती। अब हमें पता है कि अब हम कर लेते हैं एक्शंस ऑन बॉडी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग यही होती है कि एक्शंस ऑन बॉडी क्या होते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपने जब आपने टेबल पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब पैरासिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता था कि आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट होता था, हार्ट रेट आपका कम हो जाता था। ठीक है, जब आपका यहाँ पर लिख लेते हैं इसको इस तरह से, इधर कंपैरिजन करने के लिए। एगोनिस्ट दवाइयाँ क्या करती थी, एगोनिस्ट दवाइयाँ हार्ट रेट को आपके यहाँ पे हार्ट रेट को आपके कम करती थी। ठीक है जी, आपकी वैजो डाइलेशन करती थी, आपके ब्लड प्रेशर को कम करती थी। ठीक है, इसके अलावा क्या इफेक्ट आता था, आपकी सिक्रीशंस को कम करती थी, सलाइवा की मिकदार को आपकी क्या हो जाता था कि आपका जो सलाइवा था, आपकी सिक्रीशंस ये वाली, सॉरी सिक्रीशंस आपकी ज़्यादा करती थी, यहाँ पे आपकी सिक्रीशंस ज़्यादा होंगी। आपका जो सलाइवा था वो वाटरी प्रोड्यूस होता था। ठीक है, वाटरी आपका सलाइवा प्रोड्यूस होता था। और इसके अलावा और किस जगह पे इफेक्ट आप देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि जो आपकी ब्रोंक्यूल्स थी उन पे क्या इफेक्ट होता था, आपकी ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट होती थी। आइस पे क्या इफेक्ट होता था, आपकी आइस के अंदर मियोसिस होती थी। ठीक है जी, आइस के अंदर आपकी मियोसिस होती थी। और कौन सा इफेक्ट होता है, चलो इतना इफेक्ट काफ़ी है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि एक्शंस ऑन बॉडी क्या होते हैं। ये तो एगोनिस्ट के इफेक्ट्स हैं। जब एंटेगोनिस्ट दवाई काम करती है तो वो इन तमाम इफेक्ट्स को उल्टा कर देती है। अगर हार्ट रेट कम हो रहा था तो एंटेगोनिस्ट दवाई हार्ट रेट को बढ़ा देगी। अगर वैजो डायलेशन हो रही थी तो एंटेगोनिस्ट दवाई वैजो कंस्ट्रिक्शन कर देगी। अगर एगोनिस्ट दवाई ब्लड प्रेशर कम कर रही थी तो एंटेगोनिस्ट दवाई इसको उलट कर देगी। अब हार्ट पे क्या होगा, क्योंकि आप एट्रोपिन इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एंटेगोनिस्ट दवाई है, लिहाजा आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो। ये पूरी पूरी लाइन आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ एक एक लफ्ज़, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप लिखेंगे कि एक्शन ऑफ बॉडी पे क्या होगा कि एट्रोपिन काज इंक्रीज इन द हार्ट रेट, एट्रोपिन काज वैजो कंस्ट्रिक्शन, एट्रोपिन काज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, हार्ट पे हमने लिख लिया, आप लिख देते हैं सिक्रीशंस ऑफ बॉडी। जब आपकी एगोनिस्ट दवाइयाँ एक्टिवेट होती थी या जब आपका सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता था तो बॉडी की सिक्रीशंस बढ़ जाती थी, चाहे आपकी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हो, चाहे आपकी जीआईटी सिक्रीशंस हो, वो सारी की सारी बढ़ जाती थी। अब क्या होगा कि डिक्रीज सिक्रीशंस ऑफ बॉडी,
बॉडी में जहाँ जहाँ जूसेस बन रहे थे, जहाँ जहाँ पे कोई भी सिक्रीशंस रिलीज हो रही थी, वो सारी की सारी आप रुक जाएंगी। यही वजह है कि आप एट्रोपीन को इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई भी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जब आपने पेशेंट को मुकम्मल तौर पर कई कई घंटों के लिए आपने उसको रिलैक्स करना होता है, उसको आपने एनेस्थीजिया लगाया हुआ होता है, तो उस वक्त उसकी बॉडी में यूरिन को रोकना, उसकी बॉडी में स्वेटिंग को रोकना, उसकी बॉडी में तमाम थूक को रोकना, इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए आप ये वाली ड्रग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बॉडी के सिक्रीशंस को रोक देती है। अब आपका पता है कि जब आपका एगोनिस्ट दवाइयाँ पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती थी तो वाटरी सलाइवा प्रोड्यूस होता था। सलाइवा पे क्या इफेक्ट होगा कि जब आप एंटेगोनिस्ट दवाई देंगे तो अब आपका जो सलाइवा है वो थिक प्रोड्यूस होगा। ठीक है, थिक सलाइवा से क्या मुराद होता है कि ड्राइनेस होगी मुंह के अंदर। आप जब बेहोश होते हैं और आपकी आंख खुले तो बेहोशी के फौरन बाद आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। उसकी वजह ये होती है कि ड्यूरिंग बेहोशी आपको एट्रोपीन लगाया हुआ होता है, जो कि आपकी बॉडी के सिक्रीशंस को कम कर देता है, ताकि जो भी आपका सर्जिकल प्रोसेस हो रहा हो उसमें किसी किस्म की कोई इंटरप्शन ना हो, आपकी कोई बॉडी की ऐसी सिक्रीशन, आपका यूरिन या आपका फेसिस या आपका थूक या आपका पसीना, कोई भी ऐसी चीज़ रिलीज ना हो जिससे आपके सर्जिकल प्रोसेस के अंदर कोई इशू आ जाए। आपकी ब्रोंक्यूज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? आपकी ब्रोंक्यूज़ पहले जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रही थी, अब आपकी ब्रोंक्यूज़ डायलेट होना शुरू हो जाएंगी, नालियाँ खुल जाएंगी, आप इजीली सांस जो है वो लंबे लंबे ले सकते हैं। आइस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? आइस पहले मियोसिस हो रही थी, यानी कि जो प्यूपिल था, अंदर का जो गोल सा पोर्शन था लेंस का, वो सिकुड़ रहा था। जब आप किसी भी जानदार की आँख में, आप रैबिट की आँख में या इंसानी आँख में एट्रोपीन के एक या दो ड्रॉप्स डालें तो आपको नज़र आएगा कि जो आपके लेंस के अंदर का गोल सा पोर्शन होता है, इसका साइज इससे बढ़कर, अंदर वाला साइज इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसको आप कहते हैं कि मिडरियासिस होना शुरू हो जाएगी आपकी आइस के अंदर। सो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे जो कि आपकी बॉडी के अंदर मेंशन थे। एक और चीज़ जो मेंशन है वो है आपकी GIT पे क्या इफ़ेक्ट होता है। आपको पता है कि जब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो GIT की मोर्टेलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये बातें उसी को समझ आएंगी जिसने वो टेबल याद किया हुआ होगा। ठीक है, जब आप एंटेगोनिस्ट दवाई देंगे तो GIT पे क्या इफ़ेक्ट होगा कि आपकी GIT की मोर्टेलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी GIT में जो आपके खाना पीना हजम होने का सिस्टम है या यूरिन बनने का सिस्टम है या आपकी और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी आपकी डिक्रीज़ हो जाएंगी। GIT की एक्टिविटी आपकी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा एक और इफ़ेक्ट है जो कि है आपका स्वेट, यानी पसीने के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा आपकी। क्योंकि सिक्रीशन, पसीना क्या है, बॉडी की एक सिक्रीशन है जो कि रिलीज़ होती है, और हमने लिखा है कि बॉडी की सिक्रीशन पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन से बढ़ती हैं। जब आप पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करेंगे तो स्वेट जो है वो आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज आपकी स्वेटिंग जो है वो कम हो जाएगी, लिहाजा स्किन जो है वो आपकी ड्राई हो जाएगी, स्किन बिकम ड्राई एंड हॉट। आपको पता है पसीना जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्ट रखता है, नरम रखता है और ठंडा रखता है। जब स्किन आपका पसीना कम हो जाएगा तो आपकी स्किन ड्राई भी होगी और आपकी स्किन हॉट भी आपको महसूस होगी। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपके पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के ब्लॉक होने से आपकी बॉडी के ऊपर अपेयर होते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि आप इस ड्रग को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि एट्रोपीन आप यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ आप एट्रोपीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों में से आप जो है एट्रोपीन के यूज़ेस निकाल सकते हैं कि एट्रोपीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। अगर आपको टू प्रोड्यूस मिड्रियासिस, अगर आपने मिड्रियासिस करनी है, यानी किसी की आंखों में अगर आपने प्यूपिल को फैलाना है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। टू इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टू डिक्रीज द सिक्रीशंस ऑफ बॉडी, बॉडी की सिक्रीशंस को डिक्रीज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने मोशन सिकनेस को ट्रीट करना है, टू ट्रीट मोशन सिकनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, जो कि आपको पता होना चाहिए। मोशन सिकनेस क्या होता है? मोशन सिकनेस आपका एक, जब आप किसी जगह पे सफ़र कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बाज़ू का तो आपको वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। उस
बीमारी को आप कहते हैं मोशन सिकनेस, यानी जब आप ट्रैवल कर रहे हो और उस ट्रैवलिंग के दौरान आपको जो उल्टी आती है, जो वोमिटिंग की कंडीशन या नौजिया की कंडीशन, मतली की कंडीशन आपको फील होती है, डेट इज़ कॉल्ड मोशन सिकनेस। उस मसले को हल करने के लिए भी आप एट्रोपिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एट्रोपिन का उल्टी से क्या ताल्लुक है? इस पूरे सिस्टम में कहीं पे भी हमने उल्टी का सीन नहीं पढ़ा कि वोमिटिंग और एट्रोपिन का क्या ताल्लुक है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि एट्रोपिन दवाई जो है वो आप उस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जब आप वोमिटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप एट्रोपिन को पढ़ेंगे कि एट्रोपिन ना सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे या पैरासिम्पथेटिक सिस्टम पे एक्टिवेट करती है, बल्कि जाकर आपका दिमाग का वो हिस्सा जो कि आपकी वोमिटिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसका नाम होता है CTZ या कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन की CTZ, जिसको आप कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन भी कहते हैं, ये एट्रोपिन डबल काम करती है, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को भी ब्लॉक करती है और साथ साथ जाकर उस CTZ सेंटर को भी ब्लॉक करती है जो कि उल्टी पैदा करने का काम करता है। जब वो सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तो आपकी उल्टी ऑटोमेटिकली रुक जाती है। इस चैप्टर में आपने सिर्फ इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। इसके अलावा आपकी इस सिस्टम की कोई भी एंटेगोनिस्ट दवाई इस मसले को हल नहीं करती, ठीक है? ना तो टीबोक्यूरिन, ना ही सक्सिनाइल कोलीन, ना ही कोई और दवाई जो है वो इस मसले को हल करती है। सिर्फ और सिर्फ एट्रोपिन के अंदर ये सलाहियत है कि वो मस्कारिनिक रिसेप्टर के अलावा वोमिटिंग सेंटर के ऊपर भी जाके अटैक कर सकती है और आपकी वोमिटिंग को रोक सकती है, जो कि आपको ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आती है। यहाँ पर हम सिंपल वोमिटिंग नहीं लिख सकते हैं, सिंपल वोमिटिंग वो होती है जो आप बैठे बैठे कर देते हैं, लेकिन मोशन सिकनेस का लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप सफ़र के दौरान वोमिट कर रहे होते हैं, ठीक है जी? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इसको आप इस्तेमाल करते हैं एज एंटीडोट ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दवाइयाँ कौन कौन सी थी? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दवाइयाँ में आपके पास एसिटाइल कोलिन था, फाइजोस्टिगमीन था, ठीक है जी? इसके अलावा आपके पास एसिटाइल कोलिन, फाइजोस्टिगमीन, और आपके पास तीसरी थी आई थिंक इकोथायोफेट थी आपके पास, और हाँ जी ये आपकी बुक के अंदर ये दवाइयाँ मेंशन हैं। तो वो सारी की सारी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट थी। अगर किसी वजह से बॉडी में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की मिकदार ज़्यादा हो गई है, आपने गलत डोज लगा दी है, आपने ज़्यादा मिकदार में फाइजोस्टिगमिन लगा दी है या एसिटाइल कोलिन लगा दी है या इकोथायोफेट लगा दिया है, तो अब उस ड्रग की मिकदार बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। लिहाजा इस कंडीशन में अगर आप पेशेंट को एट्रोपिन लगा देंगे, तो आपको पता है एट्रोपिन जाकर एगोनिस्ट दवाई के खिलाफ एक्ट करती है, उसको एंटेगोनाइज करती है। लिहाजा एगोनिस्ट दवाई की वजह से ये जो तमाम एक्टिविटी होनी थी, जब आपने एट्रोपिन लगाया तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर कन्वर्ट हो गई, और जो आपकी ओवरडोज की वजह से पेशेंट को मसला आ रहा था, उसकी जान जा सकती थी, आप इस दवाई को एट्रोपिन को इस्तेमाल करके एज ए एंटीडोट आप पेशेंट को बचा सकते हैं। लेकिन कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपने ज्यादती किस चीज़ की हुई हो, जब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की ज्यादती हुई हो, तभी आप एट्रोपिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, और बहुत इंपॉर्टेंट आपका वाइवे का सवाल है कि एट्रोपिन एंटीडोट इस्तेमाल होता है या नहीं, और कब इस्तेमाल होता है, किस केस में आप एट्रोपिन लगाते हैं। तो आप बताएंगे कि अगर किसी पेशेंट की बॉडी में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की दवाई की मिकदार ज़्यादा हो जाए, तो उस मसले की वजह से ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हाइपर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है, सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। उस केस में अगर हम एट्रोपिन लगा देंगे तो ये वाली एक्टिविटीज़ आपकी इस शक्ल में आ जाएंगी और पेशेंट जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जनाब एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन के दो बहुत इम्पॉर्टेंट या एक ही आप कह लें बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि एट्रोपिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे ड्रग रिएक्शंस एडवर्स हैं, लेकिन एक मोस्ट कॉमन होता है जो कि आपसे पूछा जाता है कि एट्रोपिन का एक स्पेसिफिक रिएक्शन बताएं कि जब आप एट्रोपिन पेशेंट को लगाते हैं तो पेशेंट को ये मसला देखने में आता है, उसको आप कहते हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ। ड्राइनेस ऑफ माउथ क्यों हो जाती है? आपने यहाँ पे लिखा है कि जब आप एट्रोपिन लगाते हैं तो सॉरी यहाँ पे सलाइवा कि आपका सलाइवा कम पैदा होता है, थिक पैदा होता है, थूक की मिकदार कम हो जाती है, मुंह में खुश्की आती है और आपको पानी की प्यास लगती है। यही वजह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी यही है कि एट्रोपिन लगाने से पेशेंट को
मुंह में ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है जी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इसी में से ही आप एडवर्स ड्रग इन्हीं को ही स्वेयर कर दें तो आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो जाते हैं। आप लिख सकते हैं कि पेशेंट की बॉडी में सिक्रीशंस बहुत कम हो जाती हैं, डिक्रीज, या आप लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ सिक्रीशंस इन बॉडी, बॉडी में सिक्रीशंस का लॉस हो जाना, लॉस ऑफ सिक्रीशंस इन बॉडी। इसके अलावा बेचैनी होती है पेशेंट को, रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी होती है, कन्फ्यूजन होती है उसको, परेशानी होती है। ठीक है जी, उसके अलावा क्या हो सकता है कि उसकी बॉडी में क्या लिख सकते हैं हम, उसकी बॉडी में ब्लड वियन हो सकती है। ठीक है, ये उसको जो है, अब आप वोमिटिंग नहीं लिख सकते। ठीक है, वोमिटिंग क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपकी एट्रोपिन दवाई जो है वो मोशन सिकनेस को ट्रीट कर रही है, वोमिटिंग को ट्रीट कर रही है, लिहाजा एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आप वोमिटिंग नहीं लिख सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका ये वाला एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। बाकी मैंने आपको बताया है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन आप इसी के अंदर से निकाल सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को अगर आप बहुत ज़्यादा सवेयर कर दें, बहुत ज़्यादा डीप कर दें, तो वो आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपने एट्रोपिन ज़्यादा लगा दी है तो पेशेंट का हार्ट रेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। हमें पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा करना है ना ही बहुत ही ज़्यादा करना है। तो अगर आप ज़्यादा डोज लगा देंगे तो ये ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, उसको हाइपर टेंशन हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, कोई और मसला हो सकता है। तो इस तरह से आप ये सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं वो एट्रोपिन के बता सकते हैं। होपफुली लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ड्रग है और आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।